हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से लेके आ गए हैं एक फ्रेश वीडियो, जिसमें आज हम लोग रिव्यू करेंगे फोर्ड की तरफ से आने वाली एंडेवर, जिसे बाहर में एवरेस्ट के नाम से ही बेचा जाता है, जो इंडिया में आएगी एग्जैक्ट यही मॉडल होने वाला है। तो आप लोग फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने वाले हैं अभी कुछ देर में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दें साथ में कि कार का प्राइस अभी तक बताया नहीं गया है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं किस प्राइस रेंज में ये आने वाली है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लोगों का कहना है कि ये आएगी टोयोटा फॉर्च्यूनर के कंपीटिंग प्राइस में। बाकी अब कंपनी जाने अब क्या करेगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक्स काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फ्रंट लुक आपको मिलने वाला है, जहाँ पे इसका बम्पर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होने वाला है। एंड इसके आगे आप देख सकते हैं इसका हेडलाइट्स आपको फुल LED सेटअप मिलने वाला है विथ फॉग लैम्प्स। एंड आपको साथ ही बता दें इसका डिज़ाइन जो होने वाला है, इसका DRL आपको मिलेगा सी शेप्ड में दोनों तरफ से। बाकी ये जो वेरिएंट होने वाला है वो टॉप वेरिएंट का भी आप वीडियो देख रहे हैं। इसके फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं तो इसमें आपको हनीकॉम पैटर्न में ग्रिल मिल जाएगा, जो कि होने वाला है ब्लैक पियानो फिनिश में इसके टॉप वेरिएंट में। एंड साथ ही में इसके अराउंड में आप देख सकते हैं क्रोम का लाइनिंग भी आपको मिल जाता है। सेंटर में आपको ओल्ड फोर्ड का लोगो मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसमें आपको 4914 mm का लेंथ मिल जाता है विथ 2207 mm का वाइड, मतलब कि 2207 mm वाइड है विथ 2900 mm का व्हील बेस। इसमें आपको काफ़ी लॉन्ग व्हील बेस मिलने वाला है। इसी के साथ आप चलते हैं इसके रियर की तरफ। तो रियर में आप बढ़ते ही आप देखते हैं कि इसका रियर लैम्प आपको मिल जाता है LED में, जो कि स्मोक्ड फिनिश में आपको मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर लगता है पीछे देखने में और काफ़ी ह्यूमंगस इसको प्रेजेंस ये प्रोवाइड करता है। बाकी सेंटर में आप देख सकते हैं एवरेस्ट की बैजिंग मिल जाएगी और नीचे में इसका वेरिएंट लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि टाइटेनियम वेरिएंट है। और बाकी ऊपर में आप देख सकते हैं इसके विंडशील्ड पर, रियर विंडशील्ड पर आपको डिफॉगर विथ वाइपर आपको मिल जाता है। एंड ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। बाकी इस पर साल्फ एंटीना इस वेरिएंट में तो नहीं मिलता है। रियर सेंसर भी आपको मिलता है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है विथ रिवर्स लैंप आपको मिल जाएगा। और साथ ही में इसमें आपको रियर फॉग लैंप भी मिल जाता है, जो कि आपको हेलोजेंस में मिलने वाला है। बम्पर आपको बॉडी कलर ही मिलेगा, बाकी कुछ ऐसा लुक्स ये प्रोवाइड करती है पीछे से। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। तो इंजन में आपको दो तरीके का इंजन मिल सकता है, एक डीजल में और एक पेट्रोल में। डीजल वाले इंजन की पहले बात करते हैं, तो डीजल में आपको दो तरीके के डीजल इंजन मिलने वाला है, एक टर्बो डीजल इंजन और एक नॉन टर्बो वाला। ये एक होने वाला है, जो टर्बो होगा वो होगा 2.0 लीटर का बाय टर्बो 4 सिलेंडर इंजन, एंड दूसरा जो होगा वो 3.0 लीटर का V6 इंजन होने वाला है। बाकी अगर बात करते हैं इसके पेट्रोल वाले इंजन के बारे में, तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि रहने वाला 2.0 लीटर का बाय टर्बो इंजन। जो कि पावर स्पेक्स की अगर बात करते हैं, तो उसमें 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर इसके टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपको 255/65 R18 18 इंचेस का अलॉय मिलने वाला है, जो कि रहने वाला है डायमंड कट फिनिश के साथ में, जो कि इस वेरिएंट में मिलने वाला है। इसके फर्दर वेरिएंट में आपको प्योर ब्लैक वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफर किया जाएगा, एंड दोनों टायर का साइज सेम ही होने वाला है। बाकी टायर साइज बहुत बड़ा दिखता है वैसे देखने में। वैसे ये तो बात रही बस इसके एक्सटीरियर के बारे में। अब चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में कुछ। सबसे पहले खोल लेते हैं इसका डोर। डोर काफ़ी ह्यूज मिलने वाला है आपको, तो आप सबसे पहले इंटीरियर में देखने वाले हैं। तो इंटीरियर में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा, जो कि बेज ब्राउन या ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको मिलने वाला है। आपको स्टेयरिंग व्हील पे आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स एंड ADAS रिलेटेड कंट्रोल, सभी कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। वैसे अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि कौन कौन से फीचर्स अभी आएंगे इंडिया में। बाकी अगर डोर की बात करते हैं, तो डोर आप देख सकते हैं इस पर आपको लेदर स्टिच्ड का भी मिल जाएगा, एंड सॉफ्ट टच इस पर आपको मिलने वाला है। बाकी आपको वुडन टच भी आपको प्रोवाइड किया गया है टू फील मोर प्रीमियम। इधर देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाता है इसका हैंडल विथ लॉक एंड अनलॉक का बटन। उसी के साथ इसके नीचे में आपको मिल जाता है इसका विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स, साथ ही में ORVM को कंट्रोल करने के लिए बटन्स। इसी के साथ हम बताते चले कि इस कार में आपको सभी बटन्स इल्यूमिनेटर मिलने वाले हैं।
इल्यूमिनेटर मतलब कि सब ग्लो करेगा रात को अंधेरे में भी। बाकी अब चलते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ। तो स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी ज़्यादा ही स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है आपको। कुछ भी आउट ऑफ मार्केट मतलब कि शोरूम छोड़े कुछ और नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी। अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलने वाला है। इसमें आपको 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, साथ ही में लेदर स्टिच भी आपको मिलता है। बाकी थोड़ा नज़र मार लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो शायद ही टोयोटा वालों ने अभी तक देखा होगा। तो नो हेड टू फॉर्च्यूनर लवर्स, बट ये जो है इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा दे रहा है। बाकी अगर आप देखते हैं बाकी सारे कॉम्पिटिशन में तो वो सब बिल्कुल ही आउटडेटेड हो चुका है अब। खैर अब बढ़ते हैं इसके सेंट्रल कॉन्सोल की तरफ। तो सेंट्रल कॉन्सोल पे सबसे बड़ी आई कैची चीज़ जो है वो है इसका टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जो कि रहने वाला है 10 इंचेस का। जी हाँ, 10 इंचेस का, जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंट्रोल्स एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, और बाकी जितने भी कंट्रोल्स हैं आप यहाँ पर से कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी सेंटर में कैजुअल वही सब चीज़ें हैं, जैसे कि इसका ऑटोमेटिक गियर नॉब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। और साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मोड सेलेक्टर, 4 हाई 4 लो 2 हाई, यही सब मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके बाहर की तरफ और देख लेते हैं ज़रा इसका बूट स्पेस हम लोग। तो इसमें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक बूट, एक बटन से आप इस बूट को खोल सकते हैं, कोई लोड लेने का ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में तो इसमें आपको 537 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है जब आप इसको फोल्ड के रखते हो, मतलब कि इसके थर्ड रो को। लेकिन अगर जब आप इसको अनफोल्ड कर दोगे तो इसमें आपको मिल जाता है 199 लीटर का बूट स्पेस। बाकी यही था इसका कुछ रिव्यू। अगर ये कार आपको पसंद आई तो वेट करिए इस कार का, बाकी वैल्यू फॉर मनी तो है ये कार कहना पड़ेगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए रोस्टर सिटी को। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग रोस्टर सिटी, बाय।